स्टूडेंट जेआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और इंटरनेट इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं कि जीमेल के माध्यम से यदि किसी के पास मेल करना हो तो कैसे करेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है और टू स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे ऑन करें। तो सबसे पहले हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि आपको ईमेल क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करें। उसके लिए हमने क्या किया था, ब्राउजर पे आए थे और जीमेल पे चले गए थे और यहाँ से हमने एक नया जीमेल बना लिया। अब जैसे हम अपना जीमेल ओपन करते हैं, यहाँ से जी हमारा जीमेल तो लॉगिन है ना, जैसे हम जीमेल ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, दिख रहा है सबको। अब इस इंटरफेस में अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा इनबॉक्स का ऑप्शन। तो इनबॉक्स का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास मैसेज करेगा वो सारा किसमें दिखेगा, इनबॉक्स। आगे आपको मिलेगा स्टार्ट का ऑप्शन, तो जो काफी इंपोर्टेंट मैसेज है आपको बार बार देखना पड़ रहा है या बार बार उस मैसेज पे जाना पड़ रहा है और आपके पास इनबॉक्स में हजारों मैसेज पड़े हुए हैं, आ रहा समझ में ना, तो आपको उसमें से सर्च करने में समस्या हो रही है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहीं पे देगा एक स्टार का ऑप्शन, दिख रहा है सबको ना, स्टार लगा देंगे तो ये सारा मैसेज किसमें दिखेगा, स्टार वाला। और उसके नीचे आपको इस न्यूज मिलेगा और उसके नीचे सेंड मिलेगा। इस न्यूज का प्रयोग कब किया जाता है कि जब हम ये चाहते हैं कि अभी हम मेल करें लेकिन अभी ना जाए, लेकिन एक तारीख और एक समय दे दें कि इतने तारीख और इतने समय पे ही जाए, उससे पहले जाने वाला नहीं। यदि हम इस न्यूज का जब प्रयोग करेंगे ना, तो आगे बताएंगे कि जब किसी के पास मैसेज भेजना हो ना, जैसे सपोज कि आप लोग बार बार भूल जाते हैं कि किसी का बर्थडे आने वाला है और उसको उस बर्थडे के दिन क्या करना है, विश करना है, तो बार बार भूल जा रहे हैं कि उसका बर्थडे कब है, लेकिन आपको राइट 12 बजे ही मैसेज देना है। तो आप इस न्यूज वाले मैसेज में जाइए और वो टाइमिंग सेट कर दीजिए, शेड्यूल सेट कर दीजिए कि आपको 10 तारीख को 12 बजे ही भेजना है, उससे पहले नहीं। तो जैसे आप सेंड कर देंगे तो आप में दिखाएगा हाँ चला गया, लेकिन उसके पास कब जाएगा, 10 तारीख को 12 बजे ही जाएगा, उससे पहले जाने वाला। ऐसे यदि शेड्यूल सेट करेंगे तो सारे किसमें दिखाई देगा, इस न्यूज वाले। और यहाँ पे आगे दिखाई देगा सेंड, तो सेंड में कौन से मैसेज दिखाई देंगे, कौन से इनबॉक्स, जो आप मैसेज किसी दूसरे के पास सेंड किए हैं वो सारे आपके मैसेज किस में दिखाई देंगे, सेंड। ड्राफ्ट में क्या दिखाई देगा कि यदि आप कुछ मैसेज ऐसे हैं भेजे और गया नहीं बल्कि आपके पास ही तक सीमित रह गया, या कुछ आपने उसमें गलत टाइप किया हो, ईमेल गलत भरा हो, आपके पास वो कहीं दूसरे के पास नहीं गया, वो सारा मैसेज किस में दिखेगा, ड्राफ्ट वाला। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो यहीं पे देखिए एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंपोज का, इसका कंपोज। ये कंपोज ऑप्शन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं कि जब हमको मेल अपने पास से किसी दूसरे के पास भेजना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, कंपोज। अब कंपोज का प्रयोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए सिंपल, हम क्या किए कंपोज वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए न्यू मैसेज का ऑप्शन आ गया ना, एक नया मैसेज आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमसे पूछेगा क्या, मेल टू कह रहा है, टू का मतलब आप किसके पास भेजना चाहते हैं, आप उसका मेल। में क्या करना है, जिसके पास मेल करना होगा उसका जीमेल भरे। जैसे आप लोग बताइए, आप लोग में से कोई बताइए, कोई भी कौन है ना, बताइए जीमेल। गोविंद कुमार यादव 009, बस इतना ही है ना, यही है, और किसी का भी है बताओ। अब देखिए हमने एक यहाँ भर दिया ना, और भी लोगों के पास भेजना हो तो बस क्या करेंगे, बस ईमेल टाइप करते जाए, बताओ क्या है। तो शिवम जायसवाल, यहाँ पे डब्लू रहेगा, सही है ना। आगे क्या है, नंबर 73, बस इतना ही है ना। यही है ना, दोनों का हो गया। अब सब्जेक्ट क्या देना चाहते हैं, जैसे एप्लीकेशन आप लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन देना किसके लिए, फॉर लीव, क्या टाइप कर दिए, फॉर लीव। और उसके बाद आ जाएंगे नीचे,
नीचे आने बस क्या टाइप करना, जैसे टू द प्रिंसिपल या टू द जो भी आप लिखना चाहते हैं, डियर सर या मैडम जो भी लिखना चाहते हैं, मैसेज लिखिए। यदि ऐसे नहीं लिखना है तो सिंपल हम एमएस वर्ड ओपन किए और इस पर से कुछ टेक्स्ट ले लिए। यहाँ पे हम करते हैं इक्वल रैंड, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। और अब पूरा नहीं बल्कि हम एक ही या दो पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यहाँ कर लिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद से जीमेल में गए और यही भेजना था, यहाँ क्या कर दिए पेस्ट। तो अब जैसे पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन दिखाई देने लगे कि आपको क्या करना है। क्लिक करिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन, देखिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन सारा दिखाई दे रहा है ना। सपोज कि आपको ये टेक्स्ट कलर करना है तो सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ से क्या कर लीजिए टेक्स्ट कलर पे जाइए और जो कलर लेना है, देखिए बैकग्राउंड कलर के लिए दे रहा है और एक किसके लिए दे रहा है टेक्स्ट कलर के। सपोज के लिए बैकग्राउंड आपको येलो चाहिए और जो आपका टेक्स्ट कलर है आपका रेड चाहिए, हुआ है चेंज। अब आपको जो भी फॉर्मेटिंग करना है फॉर्मेटिंग करिए, और उसके बाद कहाँ क्लिक करना है आपको सेंड। जैसे हम सेंड बटन पे क्लिक करें आप दे रहा है क्या मैसेज सेंड। यदि नहीं सेंड करना चाहते तो कुछ समय के लिए अंडू रहता है, आप वापस कर सकते हैं, लेकिन वो अंडू यहाँ से हट गया तो आप वापस नहीं कर सकते। तो आप लोग चेक करिए आप लोग के जीमेल में गया है मैसेज, हमारे सेंड से चला गया। देखिए सेंड में ड्रॉप में नहीं दिखा रहा बल्कि किसमें दिखा रहा है सेंड वाले, यानी कि ये मैसेज इन लोग के पास क्या हुआ चला गया। इंटरनेट ऑन कर एक दो बार रिफ्रेश करो। तो ध्यान दीजिए अब ऐसे किसी के पास मेल करना हो तो आप लोग मेल कर ले जाएंगे ना, गया है चला जाएगा। अब चलिए तो थोड़ा चीज और ध्यान दीजिए, यदि हम कंपोज पे गए और कंपोज पे जाने के बाद हमको क्या करना है, कोई फाइल अटैच करके भेजना है, जैसे फोटो भेजना है या कोई डॉक्यूमेंट भेजना है। आप लोग कई जगह सुने होंगे कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट जो है मेल कर दीजिए, तो उसके लिए बस सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है, आपको आना है कहाँ पर कंपोज पे, और यहाँ आने के बाद ईमेल टाइप कर लीजिए जिसके जिसके पास भेजना है। जैसे हम गोविंद के पास भेज दिए और उसके बाद से शिवम, दिख रहा है ना। सब्जेक्ट में जो भी टाइप करना आप सब्जेक्ट में टाइप करिए, और टाइप करने से आप आ जाइए नीचे, तो यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा अटैचमेंट का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, अटैच फाइल का। क्लिक करेंगे अटैच वाले फाइल पे तो ये लोकेशन आपका खोलेगा आपके सिस्टम का, दिख रहा है। यदि आप फोटो लेना चाहते हैं तो ये फोटो को ही सेलेक्ट कर लीजिए, दिख रहा सबको ना। यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट पे जाइए, और जो भी डॉक्यूमेंट आपका डाटाबेस है आप उसको सेलेक्ट करिए, जैसे एक्सेल का ही फाइल है सेलेक्ट कर लिए, या यदि आपको फोटो भेजना था फोटो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए ओपन। जैसे ओपन करें देखिए इमेज का लिंक यहाँ पे आ गया ना, दिख रहा सबको, और यहाँ से क्या कर लेंगे सेंड, चला गया। अब देखिए ये वाला भी जाएगा जो हमने फोटो सेंड किया है, ये फोटो के साथ भी जाएगा दोनों लोगों के पास, ये फोटो जाएगा जो अभी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे फाइल अटैच करके भेज ले जाएंगे लोग ना। सिंपल क्या करना है आपको कंपोज वाले ऑप्शन पे जाना है, टू में ईमेल भर देना जिसके जिसके पास भेजना होगा, और भरने के बाद सब्जेक्ट टाइप कर लीजिए आप किस सब्जेक्ट में इमेज या डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, प्लस नीचे आएंगे तो आपको कहाँ जाना है अटैच फाइल पे, और अटैच फाइल पे जाने के बाद से आपको अपना फाइल सेलेक्ट कर लेना है जो भी होगा। चलिए डेस्कटॉप पे देखें कोई पीडीएफ है, ये नाम से पीडीएफ दिख रहा है ना, सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए ओपन। जैसे ओपन करें देखिए पीडीएफ का फाइल यहाँ पर आ गया ना, उसका साइज बता रहा है कितना है 1340 KB का है, और यहाँ से क्या कर लेंगे सेंड। अब देखिए यहाँ पे एक एरर दे रहा है, कह रहा सेंड दिस मैसेज विदाउट ए सब्जेक्ट और टेक्स्ट इन द बॉडी, यानी कि अभी तक आपने यहाँ पे सब्जेक्ट कोई टाइप नहीं किया, आप चाहते हैं बिना किसी सब्जेक्ट का ही भेजना तो सेंड ओके करिए, और यदि भेजना नहीं चाहते हैं तो कैंसिल करिए और दोबारा से यहाँ पे क्या करिए सब्जेक्ट टाइप करिए फिर सेंड करिए। हम चाहते नहीं सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, हम क्या कर लें यहाँ से ओके कर। देखिए ये भी फाइल इनके पास क्या हो जाएगी, चलिए आ गया पर ना। अब यहाँ सब्जेक्ट में देखिए क्या दिखा रहा है हेलो, क्योंकि हमने हेलो भरा था, और यहाँ क्या दिखा रहा है नो सब्जेक्ट, हो जाएगा गया है जी। अब
सबको दिखा दीजिए, ट्रस्ट वगैरह। हाँ आया है मैसेज। उसे अप्लाई कर दीजिए उसे, ताकि इधर इसमें मैसेज के रूप में आ जाए। चलिए जब तक भेज रहे तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ा जाए। तो ये मेल सेंड करना तो हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा जी? मेल सेंड करना तो हो जाएगा ना। अब चलिए आगे हम आपको बताने वाले थे टू स्टेप वेरिफिकेशन। देखिए गोविंद यहाँ पे भेजे फॉर लिए ओके, रिप्लाई दिए हैं ओके, दिख रहा है सबको ना? ओके दिख रहा है जी? ओके और लाइक का सिंबल बना हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी लोग, ये तो क्या हमको मेल सेंड करना हो तो उसके लिए तुम क्या भेजे हो जी? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हमको आगे क्या जानना है कि यदि सपोज करिए कि हम जीमेल किसी को दे दिए और पासवर्ड किसी को दे दिए, लेकिन फिर भी चाहते हैं, जब तक हम न चाहें तब तक वो लॉग इन न, तो उसके हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? टू स्टेप वेरिफिकेशन। यानी कि जब हम टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देंगे तो आप हमारा ईमेल ले लीजिए और उसके साथ मेरा पासवर्ड ले लीजिए। जब आप ईमेल भरेंगे और पासवर्ड भरेंगे ना, तो मेरे फोन पे एक ओटीपी आएगा, या यदि मेरे फोन में लॉगिन है तो एक कैप्चर आएगा। जब तक हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप हमारे जीमेल को लॉगिन नहीं कर सकते। हम परमिशन देंगे कि हाँ ये हमारे हमारे आदमी है, लॉगिन करना चाहते तो लॉगिन कर सकते, लेकिन यदि हम चाहते नहीं, ये तो दूसरा कोई है, पुनः वहां से पासवर्ड क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये गूगल का एक सिक्योरिटी है कि आप अपने जीमेल को सिक्योर रख सकते। तो कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा माई अकाउंट, दिख रहा है सबको ना? ऑप्शन दिखाई दे रहा है गूगल अकाउंट का। क्लिक करेंगे गूगल अकाउंट पे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। क्या दिखाई देगा? मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे फिर कुछ ऐसे ऑप्शन आएगा, तो क्या ये कहीं भी मिल जाएगा? सिक्योरिटी का है ना, फिर किसमें मिलेगा? सिक्योरिटी में। अब सिक्योरिटी में आने के बाद से क्या करना है, नीचे आएंगे। देखिए अब दिखा रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन, अभी क्या है ये ऑफ, अभी क्या है ऑफ। तो ऑन करने के लिए एक बार क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कह रहा है गेट स्टार्टेड, कि आप अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं। अब देखिए कह रहा है प्रोटेक्ट योर अकाउंट विद टू स्टेप वेरिफिकेशन, कि आप अपने अकाउंट को भी क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो टू स्टेप वेरिफिकेशन का फीचर्स है ना, अब व्हाट्सएप में भी दे दिया आ रहा, समझे ना? यदि आपका व्हाट्सएप है और कोई और लॉग इन करने के लिए कोशिश करेगा, उस पर ओटीपी तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ में आपके व्हाट्सएप पर भी ओटीपी आएगा। जब आप वहां से ओटीपी देंगे तब वो लॉग इन कर पाएगा, और यदि ओटीपी नहीं देंगे फिर वो लॉग इन नहीं कर। तो वैसे ही हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से क्या कहाँ क्लिक कर दिए? गेट स्टार्टेड। अब जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे हमसे क्या मांगेगा? देखिए अभी हम लोग मोबाइल नंबर नहीं दिए थे ना, तो अब क्या मांग रहा है? मोबाइल। बताओ गोविंद अपना मोबाइल नंबर बोलो। भूल गए हो? तुम बताओ जी गौरव, बताओ अपना मोबाइल कितना? हाँ 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 73। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है आपको, हाउ टू डू यू वॉन्ट टू गेट कोड, कि आप किसके माध्यम से कोड पाना चाहते हैं? टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कि फोन कॉल के माध्यम से? यदि फोन कॉल करेंगे ना तो आपके फोन पे एक कॉल आएगा और उसके माध्यम से आपको ओटीपी बताएगा। आ रहा समझे ना? तो सबसे बेटर क्या रहेगा? मैसेज, कि मैसेज आएगा जब हम देखना चाहते हो आसानी से। हम कहाँ पे आ गए? टेक्स्ट मैसेज, और यहाँ से क्या कर ली? नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे फोन नंबर पे देखिए एक ओटीपी जाएगा। मत खाना कम नहीं बताए 17। हाँ 77 12। अब फिर यहाँ से क्या कर लेना ओटीपी भरने के बाद से? नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको अब एक ऑप्शन देगा, क्या आप टर्न ऑन करना चाहते हैं? तो हम सारा प्रोसेस क्यों किए? ऑन करने के लिए ही ना।
फिर कहाँ क्लिक करेंगे, टर्न ऑन। तो अब टर्न ऑन पे क्लिक करने से हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है साइन इन टू स्टेप वेरिफिकेशन वाज टर्न ऑन। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, हम इसको लॉग आउट करके अपने जीमेल, अब लॉगिन करने के आसानी से लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए लॉगिन यहाँ क्लिक की तो अब क्या मांग रहा है, पासवर्ड, पासवर्ड टाइप कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ से पासवर्ड डाल के लॉगिन किए तब क्या मांग रहा है, अब देखिए जब तक ये कोड नहीं बताएंगे तब तक हम इसका जीमेल और पासवर्ड लेके लॉगिन कर पाएंगे। बताओ कोड 99, हाँ 39। अब देखिए अगर जो ये ओटीपी नहीं बताया होते तो हम कितना भी कोशिश कर लें इससे आगे हम लॉगिन नहीं कर पाए। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन का यही मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा देंगे तो जब तक आपके फोन पे मैं जो ओटीपी आएगा आप नहीं बताएंगे तब तक आप यहाँ से कोई लॉग इन नहीं कर सकते। दूसरा चीज कि अभी तो यहाँ पे ओटीपी आया है ना, और यदि अभी मेरे सिस्टम में लॉग इन है और दूसरा कोई यदि लॉग इन करने जाएगा ना तो मेरे सिस्टम पे तीन कोड आएगा। क्या आएगा, तीन कोड आएगा जिसमें से एक कोड जो है उस सिस्टम से और मेरे सिस्टम से मैच करेगा। आ रहा समझे ना, यानी कि उसमें एक कोड आएगा, जैसे अगर उसमें 65 आ गया ना तो मेरे में आएगा 90, 65 और यहाँ पे 7, तो उसमें क्या आया है 65। तो जैसे हम 65 वाले पे टैप करेंगे ऑटोमेटिक हमारा जीमेल वहां से क्या हो जाएगा, लॉग इन। और यदि हम इस पे टैप नहीं करेंगे तो कितना भी हम कोशिश कर ले वहां पे लॉग इन होने वाला। क्लियर सबको, तो ये ऑप्शन कब आएगा कि जब ये दो कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर में लॉगिन रहेगा और दूसरे में लॉगिन करने जाएंगे, और अभी पहले में ही लॉगिन करने जाएंगे तो आपके फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, जब तक आप ओटीपी नहीं भरेंगे तब तक आपका जीमेल लॉगिन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा ना, क्लियर सबको, यहां तक हो जाएगा ना। अब चलिए थोड़ा सा कुछ और आप लोगों को बता दें, जैसे कि यदि अब ये हम अपना जीमेल लॉगिन किए हैं ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो भी हमारे जीमेल का अकाउंट है ना उसके पहले पहला कैपिटल दिखाई दे रहा है, पहला ही दिखाई दे रहा है बस ना, यानी कि जी हम चाहते हैं इसकी जगह हम अपना इमेज लगा सके, क्या कर सके, अपना इमेज लगा सके। तो उसके लिए दो तरीका, पहला क्या कि आप यही अकाउंट पे क्लिक करिए तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे कैमरे का, दिख रहा है सबको ना, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से ये पूछेगा आपको यहाँ पे एड प्रोफाइल में पिक्चर करना है, तो क्लिक करेंगे और सिस्टम में जो भी इमेज होगा हम यहाँ से सेलेक्ट करें, या तो किसमें आ जाएं, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आने के बाद से अब देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, टेक ए पिक्चर, यदि कैमरा लगा हुआ तो आप यहाँ से फोटो क्लिक कर लीजिए, अन्यथा आप कहाँ जाइए, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर का लोकेशन ओपन करेंगे, जो इमेज लगाना है उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, दिख रहा सबको ना। अब कह रहा है जैसे आप क्रॉप करना चाहते हैं वैसे यहाँ से क्रॉप कर सकते, और करने के बाद पुनः क्या करना है, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने वास्ते यहाँ से सेव एज प्रोफाइल। जैसे हम यहाँ से सेव कर देंगे तो जो अभी हमारा क्या दिखा रहा था, जी दिखा रहा था ना, अब किसमें हो गया है, इमेज। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्लिक करिए मैनेजर अकाउंट पे और यहाँ आने के बाद से आपको ये दिखाई देगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या दिखाई देगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नीचे आए तो आपको यहाँ दिखाई देगा प्रोफाइल पिक्चर, चेंज करना है तो क्लिक करिए, और क्लिक करने वास्ते आप आज यहाँ पे रिमूव करना है कि चेंज करना है, चेंज पे जाइए और फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए पुनः वही फ्रॉम कंप्यूटर, और कहाँ पर, या इसमें से ले लें पहले से बना बनाया हुआ, हाँ ये सही है आईवीएल, क्योंकि इसमें इसी का सीजन चल रहा है ना, हाँ दिख रहा है जी सही। अब जो कलर लेना हो यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट करने के बाद से फिल्टर लगाना, तो आप लोग फिल्टर लगाइए, जो भी लगाना हो कलर फिल करना है किस कलर का वो कलर लीजिए, हेयर ब्लैक कलर का चाहिए या आपको रेड कलर चाहिए, नहीं व्हाइट नहीं देगा, और स्किन किस कलर का चाहिए,
दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ बिल्कुल ब्लैक कर हो जाएगा। और उसको ऐसे रोटेट करने का ऑप्शन दे रहे, यदि आप रोटेट करना चाहते हैं लेफ्ट राइट जैसे रोटेट कराना है रोटेट कर सकते। और ये करना है फिर कहाँ क्लिक करना है? नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने वाले से सेव एज प्रोफाइल। तो अब जो यहाँ पे इमेज लगा हुआ था अब ये क्या लगेगा? ये वाला इमेज। देखिए चेंज हुआ, हो जाएगा ना। तो आज आप लोगों को क्या क्या करना है, तो पहले तो आप लोगों को मेल सेंड करके देख लेना है, हो जाएगा। दूसरा चीज आप लोगों को टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेना है। और तीसरा चीज कि आप लोगों को क्या करना है, जीमेल का अपना जो भी दिखाई दे रहा है पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके चेक कर लेना है, हो जाएगा। और उसके बाद से कल की क्लास हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम मैसेज सेंड करने जा रहे हैं ना, कहीं मेल सेंड करने जाए तो आपको वहीं पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कंपोज पे गए तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, सीसी और बीसीसी का। तो सबसे ज्यादा प्रयोग किया इसका बड़ी बड़ी कंपनियों में, सीसी और बीसीसी। तो कल की क्लास में जानेंगे सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है। क्लियर सबको? तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा और कल की क्लास में जानेंगे सीसी और बीसीसी। तो आज के लिए बस इतना ही।